का क्वेस्ट करा है, ये एक केस स्टडी बता रहा हूँ, ये हमारे आर्टिस्ट केस स्टडी है। कस्टमर लेके आया, बोलता है कि स्पिन नहीं हो रही है या कुछ प्रॉब्लम्स है, इसको पहले स्पिन नहीं हो रही है तो हमको पीसीबी रिलेटेड देखना, ठीक है। इस पीसीबी रिलेटेड के लिए पहले हम इसको चेक करेंगे। हमने अभी आपको ऑलरेडी बता चुके हैं ये हार्ड डिस्क का क्या करना है। तो यहाँ पर हमारा पावर कनेक्शन है, ये साटा कनेक्शन है, ओके, पावर कनेक्शन है, ये पहला हमारा पावर कनेक्शन है, ये साटा कनेक्शन है। साटा तो हमारा नॉर्मली आता है डायरेक्ट मदरबोर्ड से डाटा सिग्नल्स को लाता है, लेकिन जो हार्ड डिस्क को पावर मिलता है वही है ये। ऑलरेडी हमने हमारे कोर्स में सिलेबस समझा चुका हूँ कि ये क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो हमको इसको चेक करने के लिए बजर मोड में रखना है हमारा मल्टीमीटर। बजर मोड में हम एक बार चेक कर लेंगे, 0-0 आना चाहिए, मीन्स मेरा मल्टीमीटर ओके है। और हमेशा इसको रेड प्रोब, जब भी कंटिन्यूटी चेक करें तो रेड प्रोब को हम कोई भी ग्राउंड ले लेंगे और यहाँ से हम चेक करेंगे। हमने ऑलरेडी क्लास में समझा चुका हूँ कि ये पहला कनेक्टर है वो हमारा नॉच है, पहला नॉच है हमारा, यहाँ से पहला 3.3 के तीन वायर आते हैं, 3-3-3, उसके बाद हमारे तीन ग्राउंड है, फिर 5 वोट आ रहा है। तो 5 वोट की वैल्यू बता रहा है 300-700 के, मतलब हम ये समझ सकते हैं कि ये कंटिन्यूटी ओके है। फिर तीन शॉट दिखाएगा क्योंकि ये भी ग्राउंड है, और फिर हमारा 12 वोट है, 12 वोट में वैल्यू नहीं आ रही है। इसका मतलब जो 12 वोट सप्लाई अंदर जा रहा है वो अंदर से ओपन है, अंदर सप्लाई नहीं पहुँच रही है। ये कस्टमर हार्ड डिस्क लेके आए हैं, ये कस्टमर की हार्ड डिस्क ये है मॉडल नंबर, और ये कस्टमर लेके आया, इसका पीसीबी नंबर भी यहाँ पर लिखा हुआ है, ओके। तो इसका पीसीबी नंबर भी हम देख सकते हैं, यहाँ लिखा होता है 77-1942, ये पीसीबी नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आप जूम करके देख सकते हैं इसको। तो ये हमारी पीसीबी है, अब हम इसको खोल के दिखाएंगे क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये पीसीबी है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा प्रॉब्लम जो हमने बताया, अब इसको हम खोलते हैं। खोलने के लिए आपको स्क्रू ड्राइवर सेट चाहिएंगे, इसका जो इसका ये स्क्रू ड्राइवर आपका जो भी T69 जो भी है इसका पार्टिकुलर, वो हम खोलेंगे। खोल के हम इंस्पेक्शन करते हैं क्या प्रॉब्लम है। आपको ऑलरेडी ये कोर्स कर चुके हैं इसलिए इजी होगा, आपको समझ में आ जाएगा। जब हम पीसीबी निकालते हैं तो देखो यहाँ पर कुछ एक जला हुआ दिख रहा है, और ये भी आपको दिख रहा है जला हुआ, गौर से देखो। कस्टमर खोल के नहीं देखते हैं, कस्टमर सिर्फ लेके आ जाते हैं, अच्छा फ्रेशर कस्टमर से, कोई कंप्यूटर डीलर या ये हो तो उसको अच्छे देख के लाते हैं। तो यहाँ पर ये बर्न है हमारा कंपोनेंट, ठीक है। ये कौन सा कंपोनेंट है, ये ऑलरेडी हमने समझा चुके थे, TVS डायोड और अलग अलग डायोड है, 5 वोल्ट 12 वोल्ट का डायोड है, ये बड़ा डायोड जो 12 वोल्ट का है, और ये 5 वोल्ट का डायोड है, और भी इसमें है सब रोम वोम सब चीज़ इसमें फिलअप करी हुई। ये रोम है, ये MCU है, बफर है, ये VCM कंट्रोलर है, ठीक है। यहाँ साटा कनेक्शन है, ये पावर कनेक्शन है, और यहाँ पर आपको दिख ही जाएगा गर्म हुआ है तो जला हुआ दिख रहा है। अगर नहीं भी है तो हम इसको मैन्युअली चेक करेंगे। मैन्युअली चेक कैसे करेंगे, इसको पहले हम ब्रश से साफ कर लेंगे, पहले हम क्लीन कर लेंगे ब्रश से। ये आपका केस स्टडी है, हाँ, ऐसे जो भी केस आएंगे उसको हम ऐसा किस तरह ट्रेस करना है वो है। ये कोर्स करने के बाद आपको ये पता होना चाहिए कैसा उसको आइडेंटिफाई करना है। हमने ऑलरेडी बता चुके हैं कौन सी चीज़ कहाँ है, उस हिसाब से हमने बता चुके हैं। ये देखो ग्रे कलर के जितने भी हैं वो सेरेमिक कैपेसिटर्स हैं, ये ब्लैक कलर के दो बड़े बड़े दिख रहे हैं वो डायोड होंगे, TVS डायोड, ये सब सेरेमिक कैपेसिटर्स हैं, ओके, ये सब सेरेमिक कैपेसिटर्स हैं। ये ICs हैं जो VCM कंट्रोलर है, MCU है, बफर IC है, ये फ्लैश रोम है, ठीक है, ये भी ये कोयल ये कैपेसिटर्स है, सेरेमिक फिल्टर कैपेसिटर्स है, ये सब है। अब इसको मैन्युअली हम चेक कर सकते हैं कि भाई लाइन कहाँ तक आ रही है कहाँ नहीं आ रही है। तो हम ये हमारा 12 वोट है, ये 3.3 वोट है, 3.3 वोट तो नॉट कनेक्टेड है। ये जो 5 वोट है, 5 वोट भी एक यहाँ से यहाँ डायोड के एक तरफ आएगा, आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ आ रहा है, कोई भी एक तरफ वैल्यू आएगी इसकी डायोड की। देखो ये TVS डायोड है, यहाँ पर इसकी कनेक्टिविटी दिखा रहा है, आप देखेंगे गौर से तो यहाँ से यहाँ कनेक्टिविटी दिखा रहा है, और ये जो साइड है वो साइड हमारा ग्राउंड होगा, देखो वो भी हम ग्राउंड के साथ बजर बजाएंगे तो ग्राउंड के साथ बजर बजेगा, मतलब ये जो TVS डायोड का ये साइड ग्राउंड है, ये साइड हमारा ऊपर से कनेक्शन जो आता है वो। इसी तरह ये भी 12 वोट का है हमारा, 12 वोट का एक साइड ग्राउंड होगा और एक साइड है हमारा कुछ भी कनेक्शन होगा, लेकिन यहाँ पर शॉर्ट है, देखो दोनों तरफ बजर बज रहा है, मतलब ये TVS डायोड हमारा शॉर्ट होगा जिसकी वजह से करंट सप्लाई अंदर नहीं आ रहा है।
तो ये हमारा 12 वाट का सप्लाई है। बाकी 12 वाट का यहाँ से हम देखेंगे तो यहाँ तक आना चाहिए, वो बीच में लाइन ट्रैक ओपन होगी, वो हमको चेक करना है। तो ये पहला तो हमारा ये TVS डायोड शॉर्ट है, दिख रहा है, ये देखो ये ओके है, एक शॉर्ट है। तो ये शॉर्ट को पहले हमको निकाल देना है, शॉर्टिंग हटने के बाद फिर हम आगे की लाइन ट्रेस कर सकते हैं। तो ये हमारा मेन प्रोटेक्शन सेक्शन जो हमने ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, ये हमारा प्रोटेक्शन सेक्शन है, ये TVS डायोड है, यहाँ पर जो है वो स्विचिंग सेक्शन है, ओके, वॉइस कॉयल के बाजू में VCM कंट्रोलर के बाजू में स्विचिंग सेक्शन है, ये हेड कनेक्टर है, ये मोटर कॉन्टेक्ट है, ओके, ये जो नॉर्मल कनेक्शन है वो फ्लैश रोम है, और यहाँ पर हमारा जो कनेक्शन आता है वो यहाँ से चार छोटे छोटे कपलिंग कैपेसिटर्स होंगे, और यहाँ से आएगा ये क्रिस्टल है, VCM है। तो हमारा अभी जो प्रॉब्लम है वो पावर रिलेटेड, अगर ये पावर रिलेटेड के अलावा कोई और प्रॉब्लम नहीं है तो हमारी हार्ड डिस्क चालू होगी और हम कस्टमर से डाटा कॉपी करके दे सकते हैं, ये हमारा पहला ऑप्शन है, ओके। तो ये हम अब इसको निकाल के बताएंगे, ओके। तो यहाँ तक जो पावर आता है ये 12 वाट है हमारा, 12 वाट यहाँ से पहले एक रेसिस्टर में जाता है और रेसिस्टर में से पास होके यहाँ पर आता है, यहाँ भी ऐसा ही है, 5 वाट है, जो 5 वाट का सप्लाई है वो 5 वाट यहाँ से पहले एक रेसिस्टर में जाता है, रेसिस्टर की उल्टी साइड पर आता है, फिर यहाँ पर आता है। तो 5 वाट का तो सप्लाई बराबर है, लेकिन जो 12 वाट है वो 12 वाट यहाँ से एक तरफ आ रहा है लेकिन उसके ऑपोजिट साइड पर आना चाहिए, यहाँ से और यहाँ से 12 वाट यहाँ आता है, यहाँ से यहाँ आना चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं आ रहा है, देखो यहाँ आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा है। तो ये जो 12 वाट सप्लाई है वो यहाँ से सीधा सीधा कनेक्टेड दिख रहा है आपको, गौर से देखेंगे तो, और ये तो ये जो हमारा फ्यूज़ है, ये फ्यूज़ आमने सामने बजर बजना चाहिए लेकिन नहीं बज रहा है, ये नहीं बज रहा है, मतलब ये फ्यूज़ भी ख़राब है। जब ये जल गया था तो जलने से क्या हुआ, लोड ज़्यादा आया, लोड ज़्यादा आया तो ये फ्यूज़ उड़ गया है, तो हमको ये भी रिप्लेस करना है और इसको भी निकालना है, ये दो हमको ट्रांसफ़र करना है। ये 0 ओम रेसिस्टर है, ऊपर लिखा ही है 0, मतलब 0 ओम रेसिस्टर है, आप इसको गौर से भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखो गौर से, तो ये 0 ओम रेसिस्टर है और इसकी लाइन यहाँ से 12 वोल्ट सप्लाई जा रही है, यहाँ से सीधा रेसिस्टर में जा रहा है और रेसिस्टर से यहाँ आ रहा है और यहाँ से घूम के फिर यहाँ नीचे आ रहा है। और ये जो हमारा TVS डायोड वो तो जल ही गया है, उसको निकाल के हटा देंगे और ये रेसिस्टर बदलेंगे, बदलने के बाद फिर हमें कंटिन्यूटी दिखाऊंगा तो क्या फ़र्क पड़ता है वो देखते हैं। अभी इसी को मैं MRT में लगाता हूँ तो MRT क्या बताएगा, नो पावर दिखाएगा, पावर ऑन करने से ऑन नहीं होगा, ये कस्टमर्स का अप्रूव करा है। तो हम इसको एक करके दिखाते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं। सेकेंड ऑप्शन ये है कि अगर आपके पास ऐसा कुछ स्किल नहीं है या टूल्स नहीं है, तो टूल नहीं है आपके पास, अगर कोई स्किल नहीं है या टूल नहीं है, तो आप इसी नंबर का PCB आप दूसरा मंगा के, या आपके पास कोई स्क्रैप हार्ड डिस्क है तो ये नंबर आप ढूंढ लो, ये नंबर के हिसाब से आप दूसरा PCB लेके रोम स्वैप करना है और रोम स्वैप करके उसको कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास स्किल नहीं है, सोल्डरिंग का सामान नहीं है, तो रोम स्वैप करना पड़ेगा, तो इस हिसाब से आप इसको PCB को रिपेयर कर सकते हैं। तो हम अभी हमारे पास तो सब टूल रेडी है, तो कैसा हम इसको निकालेंगे और कैसा इसको रिप्लेस करेंगे वो हम तुमको बता दें। देखो ये नॉर्मली सेम हार्ड डिस्क आई है, आई गॉट द डोनर, हाँ, दिस इज़ आवर डैमेज PCB। यहाँ पर दो रेसिस्टर भी दिख रहा है आपको और एक ये डायोड डैमेज है, और यहाँ पर एक रेसिस्टर है, यहाँ पर PCB नंबर इज़ डिफरेंट बट सम कंपोनेंट्स आर द सेम। तो हम यहाँ का रेसिस्टर निकाल के यहाँ लगा के देखेंगे, और ये TVS डायोड भी, ये स्क्रैप है हमारा और ये ओके है, ये पेशेंट है, ये डोनर है, तो पेशेंट हमको याद रखना है, उसको मार्क कर देना है। तो ये मार्क करके हम इसको यहाँ से रिप्लेस करेंगे, तो पेशेंट डोनर को स्वैप करेंगे, दिस इज द ऑप्शन वी विल स्वैप द पेशेंट। यहाँ पर आप अगर PCB नंबर देखेंगे तो बोथ PCB नंबर्स आर डिफरेंट, ओके, 1945 है और ये भी 1945 है, ये रिविज़न 1 है, रिविज़न 2 है, मतलब स्मॉल चेंजेस हैं, 771942, हाँ, रिविज़न इज सेम, नंबर इज सेम, यू कैन सी द PCB इज सेम बट सम कंपोनेंट, यू कैन सी सम कंपोनेंट्स आर हियर मोर प्रोटेक्टेड एंड हियर नॉट प्रोटेक्टेड, PCB लुकिंग एट अ सेम, डिज़ाइन इज ऑल्सो सेम, यू कैन सी द डिज़ाइन इज ऑल्सो सेम, एवरीथिंग इज सेम बट सम कंपोनेंट एज अ रिविज़न चेंज, सम कंपोनेंट्स मे बी एड प्लस और माइनस, दिस इज रिविज़न 2 एंड दिस इज रिविज़न 1।
रिविजन ए रिविजन बी 001 002. दिस इज योर डिफरेंस. सो नाउ वी विल रिप्लेस एंड आई विल शो यू. नाउ वी रिप्लेसिंग द कंपोनेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिमूव द टीवीएस डायोड फ्रॉम द पेशेंट. We use a temperature here blower and we heat the component. हम ये एस एम डी यूज करके इस कंपोनेंट को निकालते हैं. ये पहला है हमारा एस एम डी टी वी एस डायोड. ये खराब वाला है, इसको निकाल लिया. और ये जो जीरो ओम रेसिस्टर है वो भी उड़ा हुआ है, शॉर्ट है, उसको भी निकाल लें. नाउ वी रिप्लेस फ्रॉम द डोनर. हम डोनर से इसको बदलेंगे. ये टी वी एस डायोड निकाल रहे हैं फ्रॉम डोनर. उसका टेम्परेचर एक सर का होना चाहिए. उस टेम्परेचर से हम इस टी वी एस डायोड को निकालते हैं. और उसको हमारे जो पेशेंट है उसमें हम इंसर्ट करते हैं. सेकंड हम जीरो ओम जो रेसिस्टर्स है, जो हमारा डैमेज है जीरो ओम रेसिस्टर, उसको हम स्वैप करते हैं. हमने जो ये जीरो ओम का रेसिस्टर निकाला वो जीरो लिखा हुआ है. ये नॉन पोलराइज है, मतलब उल्टा सीधा कैसा भी लगा सकते हैं. हम उसको इंसर्ट करते हैं. और उसको हीट इतना करेंगे जितना वो शोल्डर पिघल के वो उसकी जगह पे स्टेबल होगा. फिर ब्लोअर हटा देंगे. ये प्रोसेस हो जाने के बाद हम इसको ब्लोअर को यहाँ रखेंगे. ये हमारा ब्लोअर है एस एम डी ब्लोअर, जो ऑटोमेटिकली रखने से ये ऑटोमेटिक ट्रिप ऑफ हो जाता है. तो ये हमारा पी सी बी था और ये ब्लोअर था. तो अगर आपके स्किल है, आपके पास एस एम डी है, आप इसको कर सकते हैं, तो आप इसको इस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं. अब हम लगाने के बाद इसको देखेंगे क्या प्रॉब्लम. वी विल चेक इट इज ओके और नॉट. बिफोर दैट वी हैव सीन इट इज ओके और नॉट. नाउ वी विल सी इट इज. We put red on the ground. Again we put red on the ground. And we will check the continuity from 12 watt. This is your 12 watt. Sorry. This is your 12 watt. Now you can see the 12 watt has a value. Okay. 3 value, then 3 ground, then 3 5 watt also value, then ground and then 3.3. So this 3.3. 12 watt, 5 watt and 3.3 all has an values here. ये हमने चेंज करा डायोड, ये रेसिस्टर जीरो ओम्स रेसिस्टर. तो हम जीरो ओम्स रेसिस्टर को भी चेक करते हैं. तो आमने सामने बजर बज रहा है. द बजर इज गोइंग ऑन. तो ये बजर है, ये टी वी एस डायोड है. यू कैन सी द डायोड हियर. हाँ, डायोड इज ऑल्सो वन साइड वैल्यू, वन साइड नो वैल्यू. यू कैन सी द वैल्यू. तो नाउ माई 12 watt इज ओके. I can check here 12 watt value coming, 5 watt also value coming and 3.3 no value shown. So 5 watt and 12 is coming. पहले क्या था, 5 watt और 12 watt नहीं आ रहा था. ये resistor खराब था, diode खराब था. अभी यहाँ से value बराबर यहाँ तक आ रही है. हम इसको अब connect करके फिर check करेंगे फिर से क्या आ रही difference. Okay, तो हम इसको close करते हैं और close करने के बाद फिर हम computer में लगा के दिखाते हैं. ठीक है. Now we tight this screw PCB. इसको हम नॉर्मल साटा पीसीबी में लगा के भी देख सकते हैं, साटा पावर कनेक्शन पे भी लगा के देख सकते हैं. तो हम इसको करते हैं नॉर्मल कनेक्शन, देखते हैं.
पकड़ के खड़े पी लो पी ले। हाँ खाली लगा, मैं साटा में लगाता हूँ। ये पक चलो लगा। हाँ तुम लगा। वी कनेक्ट टू डायरेक्ट साटा बिकॉज वी नो नीड एनी टूल, सो वी कनेक्ट इन द साटा पोर्ट इन अ कंप्यूटर। वी डायरेक्टली कनेक्ट इन द साटा इन द विंडोज मोड, तो वी हैव कनेक्टेड इन साटा। वी विल चेक इन द MRT। अरे वी नॉर्मली कनेक्ट इन द साटा पोर्ट, इट्स कनेक्टिंग और नॉट। Recheck, it's spinning. Now you can listen, the detection is coming. Here the detection has been come. WD-PURX 64. One drive, that is a CH drive. Now it's on directly coming in the normal mode. When we go here, it's come here and data has sounds. So my case is finished. Now whatever the data we can have to recover, we can recover, or we can give like same hard disk to users also, or we can write it to another hard disk and give that, depend on your customers. So this is your option, how we repair and how we recover. Here is also there, if you have an MRT, you can connect through MRT also, but if normally it is connecting in the Windows, then no need to connect in MRT. अगर विंडोज़ में कनेक्ट आ जाता है तो MRT में कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो दिस इज़ योर ऑप्शंस। नाउ द डाटा कम, आई कैन गिव टू इस कस्टमर एंड आज द बजट, ही विल अप्रूव द बजट। अप्रोक्सीमेटली 4,000-5,000 डिपेंड ऑन द यूजर्स, यू कैन चार्ज इट। देन वी कैन गिव द सेम हार्ड डिस्क ऑल्सो, इफ़ वी आस्क हिम टू कॉपी द हार्ड डिस्क, तो वी कैन कॉपी एंड गिव। अगर हार्ड डिस्क दूसरी दे रहा है तो उसमें कॉपी करके भी दे सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। तो ये हमारा डाटा आ गया। Now I remove the hard disk. To remove, I will again go here. We eject. We have to eject the hard disk before connection. So see, that hard disk has been ejected. Now I can recover, remove the hard disk from here. So first I will connect SATA, then I will go to disconnect this hard disk. So now my this hard disk is okay. For safety, I will backup the data to my hard disk. So when user take its home, it will be not damaged. So for safety I can backup the hard disk. अगर safety के लिए मैं ये hard disk का backup मेरे computer पे लेके रख दूंगा, फिर customer को दूंगा, दो चार दिन रखूंगा मेरे पास, फिर customer जब जाके इसको करेंगे तो उस हिसाब से हम कर सकते हैं। तो ये हमारा एक केस PCB के related का था, तो जो PCB हमने repair करा normally, तो D2 कोर्स में जो हमारा PCB section है उसका एक केस स्टडी हमने बताया आपको, एक केस, ठीक है। और एक केस है वो मैं दूसरा आपको बता दें। तो ये PURX की जो कस्टमर्स की RD है, जूनागढ़ से आए थे, तो उनका ये केस सॉल्व हुआ। तो ये केस हम लोग 4,000-5,000 चार्ज कर सकते हैं, इसमें आपके ऊपर है, आप जैसा केस को कैसा डिफाइन करना चाहते हैं वैसा कर सकते हैं, ठीक है। ओके।